बच्चों ने मैं संस्कृत आया हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 7 में बालक सर्वदमन पाठ का प्रश्नोत्तर लिखेंगे। आज कक्षा 7 प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो प्रश्नोत्तर में अब यहां देखिए उत्तर लिखना है, सर्वदमन कस्य दंतान गणेतुम इच्छत लिखा है। बालेन की दृशम लक्षण धारे धार्यते बालेन की दृशम लक्षण यहां लिखेंगे चक्र
वर लक्षण शकुंतलाम दृष्ट्वा राजा की मदद, ये सबसे लास्ट में है। राजा शकुंतलां दृष्ट्वा राजा अवदत् क्या अवदत् देवी यो मैं सम्मुख में यो मैं सम्मुख तदा भूतम तदा भूत है तदा अभूत संतुम अहस क्या संतुम अहस। अब आगे क्या लिखना है? दूसरा प्रश्न, प्रश्न दो देखे, दो का सत्य है और प्रथमा बहुवचन है। यहां देखिए प्रथमा पहला है सर्वदमन है सर्वदमना है। क्या हो जाएगा? सर्वदमना। दूसरा बालक है तो क्या हो जाएगा? बालका। तीसरा असमद है षष्ठी बहुवचन में मम आवयो अस्माकम्। ये हो गया। अरे ये तृतीय एकवचन में है सारी, हमने सोचा प्रथम बहुवचन में ये हो जाएगा बार तीन। और ये शकुंतला है तो द्वितीय एक वचन में शकुंतला। पांचवा युष्मद् का सप्तमी बहुवचने युष्मद् युष्मास युष्मास। अब अभी और है वाक्य शुद्धि लिखना है। ईश्वर के सरणे त्वाम लंके स्थित है तो आइए संधि विच्छेद लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? संधि विच्छेद।
प्रश्न है चार, प्रश्न चार, संधि विच्छेद क्या है, स्वागतम क्या है, स्वागतम का हो जाएगा सुधन आगतम, स्वागतम मृगेन बस इतना ही।